अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस के झूठे वादों ने हिमाचल को पीछे धकेला। मोदी सरकार में देश ने इंग्लैंड को पछाड़ा। दिल्ली में मौलवी को 18,000, पुजारी को कुछ नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी हिमाचल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल खड़े किए हैं। अरविंद केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के सीएम राष्ट्रीय राजधानी में मुस्लिम मौलवियों को सालाना 18,000 रुपए देते हैं, क्या आप पुजारियों, गुरुद्वारा ग्रंथियों और पादरियों को भी वही 18,000 रुपए देंगे? अनुराग ठाकुर ने कहा, आप ऐसा क्यों नहीं कर सके? दरअसल दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा था कि भारतीय नोटों पर लक्ष्मी, भगवान और गणेश की तस्वीरें छपनी चाहिए। उनके इस बयान पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मौलवियों को सालाना 18,000 रुपए देते हैं, लेकिन पुजारी और पादरियों को नहीं देते। अनुराग ठाकुर यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वालों, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों को एक मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल अराजकता के प्रतीक हैं, वह नए प्रचार का बढ़ावा देते हैं ताकि उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में लाया है और ईंधन की कीमतों में भी कमी की है। अगर आप कांग्रेस का कार्यकाल देखेंगे, 2013-14 का भी उठाकर देखोगे तो 14% महंगाई थी। उस समय COVID-19 पैंडेमिक नहीं थी, उसमें सप्लाई चेन डिसरप्ट नहीं हुई थी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी थी, दुनिया के किसी देश में युद्ध नहीं चल रहा था। तेल की कीमतों में भी हमने केंद्र के टैक्सों में कटौती की, जहां भाजपा की सरकार है वहां पर कटौती की, लेकिन जहां कांग्रेस शासित राज्य है या विपक्षी दल है वहां पर कटौती नहीं हुई। आज मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने वायदे किए थे कर्जा मुक्त करेंगे जो किसानों का, पंजाब में इनकी सरकार थी 5 साल रही, नहीं कर पाए, राजस्थान में नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए, 5-5 साल सरकार के होने वाले हैं, ये तो झूठे वायदे करने वाले हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी कहा था हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल सरकार में रहे कितनों को दी? कांग्रेस आज उसका जवाब नहीं देती है जी। ये चुनाव से पहले केवल कोरे कागज भरवाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद प्रदेश को पिछाड़ने का काम करते हैं। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि बीजेपी शासित राज्यों में कीमतों में कमी आई है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में कीमतें कम नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, वे पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं कर सके क्योंकि वे झूठे वादे करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।